गेट अंकल गेट खोलने जा रहे हैं। गेट खुल गया। वेलकम बैक हो गया शिक्षण शर्मा ब्लॉग्स में। एंड गाइस आज हम जा रहे हैं कार्बेट रिजर्व, कार्बेट टाइगर। पहले हमारा प्लान बन रहा था भैरवगढ़ी जाने का, एंड मैं थोड़ा मतलब वैसा सेट हो गया था। फिर मेरे को कार्बेट टाइगर रिजर्व जाना था। चाचा जी माने थे, बाकी सब मान गए थे। एंड गाइस हम जब वहाँ पर पहुँचे चाचा को भी थोड़ा सा एक्साइटेड हुए चाचा। एंड फिर गाइस अब हमारा प्लान बन चुका है जाने के लिए, एंड हमने टिकट भी बुक करा ली है। एंड गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो अभी चलो जल्दी से चलते हैं। एंड गाइस ये है, गाइस भर के लाइक देना, भर के सब्सक्राइब देना और शेयर तो जरूर ही करना। गाइस ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं, काफ़ी मज़े आ रही है। गाइस हाय बोल दीजिए सब। हाय चाची, मेरा भी अभी व्लॉग चल रहा है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे आपको भाई, हमारा भी ब्लॉग काफी मजे आ रहे हैं यहाँ पर। हम जाएंगे कोल्लू गेट से यहाँ पर, तो हमारा सफर हो चुका है शुरू। हेलो गाइस, मैं भी चल रहा हूं। मना कर रहा था कार्बेट पार्क जाने से, एंड उन्होंने भी बहुत जाने वाला है, एंड उनको खुद ही मजे आ रहे हैं। एंड उन्होंने प्लान बनाया था भैरवगढ़ी जाने का, हम भैरवगढ़ी के लिए निकल चुके हैं। एंड फिर हमें यहां पे तो मैंने बोला जहां पे बुक होती है टिकट वगैरह, फिर वहां पे हम रुके। भैया बोल रहे हैं बाद में मिला सुबह। एंड गाइस भैया बोल रहे हैं कि सुबह इसी वाले ओलो वाले गेट पे भालू और टाइगर मिला। हमें भी भालू मिल जाए, टाइगर मिल जाए, एंड एलिफेंट मिल जाए। सारे जानवर खाने के लिए रास्ते में कुछ इतना कुछ लिया, एंड पास्ता भी लिए थे, चाचा खा रहे हैं। एंड काफी इंजॉय आते हम एंटर होंगे कोल्लू चौखम वन मोटर मार्ग। ये है हमारा एंटर गेट, अंकल गेट खोलने जा रहे हैं। गेट खुल अलग ही मतलब मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मौज करती मौज, यू बाल देखिए गाइस ये उड़ रहे हैं, रोड बाल उड़ते हैं ना सामने, यू लग रहा हूं यू यू यू। ये हम एंटर हो चुके हैं पहली नदी। भैया यहाँ पे कितनी नदी आती है? नदी 10 बार पार करनी है। ऊपर पहाड़ की चोटी में टेम्पल देखो हुआ है, नाम क्या मंदिर है वो मेरा, राकेश। भैया पापा का नाम भी राकेश है, भैया का नाम भी राकेश है। पहली नदी पार हो रही है। भैया ये नदी का नाम क्या है? भैया नदी का नाम क्या है? नहीं दिखते, चिल्लाते है ना, भाग जाते हैं। नहीं करना है यहाँ पे अंदर। मम्मी चुप रहना यहाँ पे, चुप। अरे यहाँ पे खड़े हो रही है, यहाँ पे लगी है अनशन में, अक्षी भी खड़ी हो रही है। अब बैठ गए, बोली तो पड़ी है। बस भैया कह रहे यहाँ पर मिला था भालू यहीं पर, तो हमें भी मिल जाए, लक हुआ तो। गाइस लग अच्छा है बिकॉज साजू सर से मिली है, एंड बहुत मतलब कि मैं साजू सर से ही मिला हूँ। एंड उसके बाद फिर हम भैरवगढ़ी जा रहे थे, हम कार्बेट पार्क भी चले गए। सही में पेड़ वगैरह में भी देखो वहाँ पे चढ़े होते हैं टाइगर, पूरा अच्छे से देखना होता है। धीरे बोलना धीरे, थर्ड टाइम रिवर क्रॉसिंग। फिफ्थ टाइम रिवर क्रॉसिंग। मछली देखो, मछली कितनी है इसमें, और मछली वो देखो पानी में बहुत सारी मछली है, बट वो मतलब जूम में दिखेगी नहीं क्योंकि मैं फोन एडजस्ट है।
इधर बोलो भैया जी, बोल रहे वहाँ करो कैमरा दिखाई दे रहा था ना इसके पीछे। अच्छा अच्छा, ये जो सफेद सा वो है ना पत्थर, इसके पीछे था उस दिन ऊपर तक पानी है और वो है घर लोगों के जहाँ पे लोग रहते हैं। देखो वहाँ से एक और जिप्सी आ रही है, वो देखिए एक और जिप्सी है यहाँ पर, एक और जिप्सी यहाँ पर। हेलो, गुजरों के घर है यहाँ पर, इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा है, खाली जंगलों के मजे लिए जा रहे हैं बस। हमारा रास्ता भी खत्म होने वाला है, यहाँ से बैग भी ओढ़ेंगे भैया अभी। वे उनके मजा आ गए, उनको भालू दिखे ना, भालू टाइगर एलिफेंट डियर डियर सब दिखे उन्हें हैं। अभी गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हैं, ये देखिए यहाँ पे घर हो गए। हेलो हेलो, कैसे कैसे घर बना रखे मिट्टी से, ये देखिए ये जो देखिए कितने मजे है, देखो कैसे है। सारे मिट्टी के घर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया मतलब घर बना रखे है मिट्टियों से, सारे डिजाइन भी दे रखे है। एंड यहाँ पे अभी हमने चाय के लिए बोला है, चाय बन रही है। एंड ये देखिए कुछ ऐसा है अंदर से, मैं बोल दूंगा बना रही क्या भाई। हम इन अंकल के डेरे में आए हुए, अंकल आपका नाम क्या है? निक्का इनका नाम है। एंड हम इनके डेरे में आए हुए हैं, एंड हम यहाँ पर सब चाय पी रहे हैं। तो बेटा खराब जाएगी, चांस चाय ले लो, अच्छी चाय लो, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर तो अलग ही वाइब्स आती है, क्या बताऊँ। यहाँ पर देखिए सारे घर ऐसे बने हुए ना, एंड फोटो वगैरह खिंचवाई यहाँ पर थोड़ा सा जरा। एंड अभी चाय हुई है, तो चाय बोली थी इनको तो चाय बना दिया, अभी चाय पीते हैं एंड मजा आएंगे काफ़ी। अभी हम और आगे भी जाएंगे हार्बर पार्क में, शेर है यहाँ पे, शेर कोई बात नहीं। अभी हम निकल चुके हैं वापस, अब जा रहे हैं घूमने के लिए, बैठे हुए थे एंड अभी हम बैठ चुके हैं। अभी हम और आगे जा रहे हैं, चढ़ा ऊपर
हां काई की टेंशन लेनी है, ये व्यू है ला नहीं गाड़ी खाल गद्दे कोई डिया दा व्लॉग हो रहा फालतू के ऊपर हम जा रहे ऊपर जानवर होते हैं भाई अभी हमें कुछ दिख तो रहा है नहीं, बस खाली ऐसी से हवा घूम रहे हैं भाई देखिए वो भी आ जाओ आपके देखिए ये गेस्ट हाउस एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट। अब हम यहाँ से बैक मुड़ रहे हैं एंड अभी हमें हाथी मिल सकता है बिकॉज जब आ रहे थे ना किसी की आवाज़ आई हाँ आवाज आ रही है ये देखो कई उस टाइम हमें हाथी दिखा था बट वो हम नहीं देख पाए, पता नहीं किसने देखा, पापा ने देखा हल्का सा, तो वो नीचे जाएगा हमें मिल सकता है। चलो अभी चल रहे वापस चलो देखिए गाइस डियर दो चढ़ गए ऊपर ये वीडियो बना ले ये देखिए हमको देख रहा है ये रहा ये रहा बारह सिंगा दिखा था बट वो भी चला गया, आवाज करी ना वो एकदम से चला गया, फिर वहां पर देखिए देखिए गाइस अरे कोई देखिए गाइस बोले सांबर है सांबर इडली हो चुका है। हम सभी लोग घूम रहे हैं अंधेरे में, हमको देखिए जानवर अभी गेट पे आ चुके हैं ये अभी तो हम वापसी पहुंच चुके हैं वापिस बड़ी मंडी पहुंच चुके हैं, अभी कुछ शायद फास्ट फूड खाने का प्लान है। एंड आज का दिन मेरा बहुत अनएक्सपेक्टेड दिन, बहुत आज के दिन जो सोचा नहीं वही हुआ। एंड अभी हम फिर से ट्राई करें कि हम सौरभ सर से मिले क्योंकि वो जिस होटल में रुके हैं उधर होटल में जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि वो अभी तो लेजेंड में गए थे ना, लेजेंड में थे मुंबई पाव भाजी में जाके हम पहले भी आए थे एंड मैंने तो पाव भाजी खा ली, बाकी अभी सब खा रहे हैं। मैंने तो पाव भाजी खाई, मज़ा आया गाइस, टेस्टी थी बहुत। एंड अभी शायद घर ही चलेंगे अब तो, बाकी हो गया है ना, हम फिर से ट्राई कर रहे हैं कि हम फिर से सौरभ जोशी सर से मिल लें बिकॉज वो आज भी कोटद्वार में ही रुके हैं।